आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा, क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा, मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था, और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए मुफ्त में राशन मिलेगा।